हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं सेमी फॉलर बेड कोटिंग करके दिखाने वाले हैं। हॉस्पिटल में जो सेमी फॉलर बेड यूज़ होता है मरीजों के लिए, वो बेड हम आपको कोटिंग करते हुए दिखाएंगे। वाइट कलर, मिल्की वाइट कलर का शेड उसमें वर्क होने वाला है। तो पाउडर उड़ाने से पहले इसमें एयर मारा जाता है ताकि डस्ट जो भी हो वो निकल जाए। एयर मार रहे हैं, मटेरियल पे हॉल नहीं है, इसकी वजह से पहले दोनों साइड तार मारेंगे। तार मारने के बाद वो बूथ था जो आपको अभी दिखाया मैंने, वो बूथ के अंदर टांगा जाएगा मटेरियल को, उसके बाद पाउडर उड़ाया जाएगा। तो तार मार के इस तरह लटका दिया जाता है। अभी इसमें थोड़ा नीचे जो मटेरियल रखा हुआ था उसमें सफाई करना बाकी रह गया था, इसलिए वापिस इस पर कपड़ा मारा जा रहा है कि डस्ट पूरी तरह से निकल जाए और कोटिंग अच्छी तरह से हो, इसके ऊपर पेंट अच्छी तरह से चढ़े। तो पहले ये भाई साहब अंदर जाके पाउडर उड़ाएंगे। इस तरह से अंदर उड़ाने के बाद फिर बाहर आके पाउडर उड़ाएंगे। अंदर की साइड में पाउडर उड़ गया है, अब बाहर आके उड़ाएंगे। इस तरह से मटेरियल पे पाउडर उड़ाया जाता है कि कहीं छूट ना जाए, कस्टमर की कंप्लेन नहीं आ जाए। इसकी वजह से पूरा ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर हमको बिल्कुल कंप्लेन ना करे। इस तरह से पूरी ध्यान रख के पाउडर कहीं छूट ना जाए, इस तरह ध्यान रख के पूरा मटेरियल कोटिंग किया जाता है। पाउडर उड़ के कंप्लीट हो चुका है, अब भट्टी के अंदर टांगने जाएंगे। तो इस तरह से व्यवस्थित टांगना पड़ता है कि कहीं भी अपना कोई अंग, शरीर का कोई भी अंग टच ना होवे मटेरियल पे, क्योंकि टच होने से उस पर खराब हो जाएगा मटेरियल, छूट जाएगा वहाँ से पाउडर। इसकी वजह से व्यवस्थित टांगा जाता है मटेरियल को ओवन में। ओवन में टांगने के बाद इसको टेम्परेचर दिया जाएगा। अभी तो पूरी भट्टी भरनी बाकी है, भट्टी भरने के बाद टेम्परेचर दिया जाएगा। मटेरियल डालने के बाद भट्टी चालू कर चुके हैं और देखिए चार बाटले लगे हुए हैं। 148 का टेम्परेचर आ चुका है, 180 का टेम्परेचर देना है फिलहाल, उसके बाद भट्टी ओपन होगा। हीटिंग हमारा आ चुका है 181 का। बाटला बंद कर दो। बर्नर ये सब बंद हो चुका है, अब 10 मिनट बाद भट्टी ओपन होगा। भट्टी ओपन हो चुका है, मटेरियल भी रेडी हो चुका है, देख लीजिए आप शाइनिंग कैसी है। ये हॉस्पिटल बेड का मटेरियल है। मटेरियल जल्दी ठंडा हो जावे इसकी वजह से फैन लगा दिया गया है, क्योंकि गाड़ी भरवाने का है। नीचे दिख रहा है आपको वो ICU बेड है और ऊपर सेमी फॉलर बेड है। हमारी गाड़ी आ चुकी है, इसके अंदर लोड करके मटेरियल डिस्पैच करेंगे। तो फाइनली गाइस, कैसा लगा हमारा कोटिंग का काम? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।